रिव्यूज सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। 16 फरवरी को होगा दिल्ली MCD मेयर का चुनाव, LG की मंजूरी। बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा भी नाटू नाटू गाने के हुए मुरीद। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। जी हाँ, खेल अवसंरचना के समर्पण में यूपी की केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया में बेटियों ने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़े हैं। जी हाँ, हर क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही है। पहले कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेल को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। अब कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। अनुराग ठाकुर ने कहा कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लखनऊ में पहले 160 बेड का हॉस्टल था, अब हमने 300 बेड का हॉस्टल बनाया है। इसके खिलाड़ियों को सुविधा और देश के लिए मेडल जीतने का मौका मिलेगा। जी हाँ, इस बार खेलो इंडिया में भारोत्तोलन में 19 नेशनल रिकॉर्ड टूटे हैं। बता दें कि इंडोनेशियाई दल के अध्यक्ष माइकल विक्टर्स सियानी पर ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तारीफ करते हुए कहा कि आज के समय में जिस तरह का नेता होना चाहिए अनुराग ने उसका एक मानक तय किया है। जी हाँ, भारत पहली बार आयोजित हुई Y20 शिखर सम्मेलन के दौरान इंडोनेशिया प्रतिनिधि और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के काम करने का अंदाज कर कदर पसंद कर की उन्होंने दुनिया भर के युवा नेताओं के लिए अनुराग ठाकुर को आदर्श बनाया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर की तारीफ करते हुए कहा आज के समय में जिस तरह का नेता होना चाहिए अनुराग ने उसका एक मानक तय किया है। 16 फरवरी को होगा दिल्ली MCD मेयर का चुनाव, LG की मंजूरी। जी हाँ, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने MCD में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य को चुनाव के लिए 16 फरवरी को कराने की प्रस्ताव को मंजूरी दी। केजरीवाल सरकार ने पहले 13-14 फरवरी को MCD की बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन 13 फरवरी को इसी मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जिसको देखकर दिल्ली सरकार को MCD 16 फरवरी को चौथी बार मेयर, डिप्टी मेयर और रेडिंग कमेटी चुनाव कराने पर सहमत हुए। जल्द ही MCD को नया मेयर मिल सकता है। हालांकि राह इतनी आसान भी नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी तक मनोनीत पार्षद वोट डालेंगे या नहीं, पहले डालेंगे या बाद में डालेंगे ये तय नहीं हुआ है। अगर इसका कोई हल MCD मेयर चुनाव से पहले तय नहीं हुआ तो फिर से सदन में हंगामा हो सकता है। बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा भी नाटू नाटू गाने के हुए मुरीद। रामचरण से सीखा हुक स्टेप। जी हाँ, मशहूर फिल्म निर्देशन SS राजामौली अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उनकी फिल्म RRR ने पूरी दुनिया में धूम मचाया है। जी हाँ, फिल्म के साथ साथ फिल्म के गानों का भी दीवानापन दर्शकों पर देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, फिल्म के नाटू नाटू गाने ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब हासिल किया है। वही अब देश के मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी नाटू नाटू गाने पर डांस करने से खुद को रोक नहीं पाए। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने इस गाने का डम डांस स्टेप एक्टर रामचरण से सीखा है, जिसका सबूत है उनके द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किया गया वीडियो। बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें रामचरण को उनको नाटू नाटू गाने का हुक स्टेप सिखाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में रामचरण ब्लैक कलर के कुर्ता पैजामा में नजर आ रहे हैं, वहीं वो नंगे पैर दिखाई दे रहे हैं। आनंद महिंद्रा ने वीडियो शेयर कर लिखा, अच्छी तरह से दौड़ के अलावा हैशटैग हैदराबाद प्रिक्स में एक वास्तविक बोनस। रामचरण ने बुनियादी नाटू नाटू कदमों पर सबक प्राप्त करा था। मेरे दोस्त ऑस्कर के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं। वहीं उनके इस वीडियो पर रिएक्ट करते हुए एक्टर रामचरण ने लिखा, आनंद महिंद्रा जी अपने मुझसे ज्यादा तेजी से मूव किया, एक सुपर फैन इंटरवेंशन था। RRR मूवी टीम के लिए आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। बता दें कि बीते शुक्रवार को हैदराबाद में आनंद महिंद्रा की रामचरण से मुलाकात महिंद्रा ग्रुप की जैन
3 फॉर्मूला ई रेस के लॉन्चिंग के दौरान हुई। जी हाँ, गौरतलब है कि फिल्म RRR को ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, जिससे के बाद सबकी निगाहें ऑस्कर पर टिकी है। इतना ही नहीं, फिल्म RRR को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी मिला है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।